निशेत वाले रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बहुत ही जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान वाले और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी स्टडी के अंदर आपकी मदद फरमाए। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे रखे हैं अल्लाह ताला उनको ढेर सारी कामयाबी नसीब फरमाए। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले अल्लाह ताला उनके अंदर उनकी मदद फरमाए। स्टूडेंट ये वीडियो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं कल या परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे स्टूडेंट जो है मतलब ऐसे किस्म के गलत कमेंट्स करते हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट्स ही होते हैं। स्टूडेंट्स मैं वो कमेंट डिलीट नहीं करता। तो स्टूडेंट असल बात ये है कि मैं आपको सिर्फ प्यार से ही बात बता रहा हूँ कि जैसा आप कमेंट्स करते हो तो वो कमेंट्स जो होता है ना वो इससे ये नहीं होता कि मुझे अल्लाह माफ़ करे कोई नुकसान नहीं होना, बल्कि ये होना है कि आप भी जानते हो कि अगर हम किसी के बारे में अगर बुरा कमेंट्स करेंगे तो वो हमारी खुद की पहचान होती है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा खुल क्या है या हमारा किरदार क्या है। बस स्टूडेंट इतनी सी मुख्तसर बात। और अब चलते हैं, मैं स्टूडेंट्स ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ये है कि प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से। स्टूडेंट आपको पता है कि ज़्यादातर जो न्यूज़ चल रही हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहले अपना रिज़ल्ट जारी किया था बी ए बी एस सी यानी ए डी पी पार्ट टू का, उसको फिर उन्होंने रिव्यू कर दिया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक थी। तो क्योंकि मेरे वहाँ एक मतलब कज़न मेरे दो पढ़ते हैं तो आज उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो स्टूडेंट आप इन्फॉर्मेशन ये है कि आईबीयू यानी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है वो तकरीबन यानी इस बात पर कायल हो चुकी है, यानी तकरीबन वो डिसाइड कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने एचईसी को एक लेटर भी लिखा है कि सर हम ये बच्चों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उन्होंने पास मार्क्स देना चाह रहे हैं, इस हवाले से हमारी रहनमाई की जाए। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एचईसी के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, तो एचईसी को बाकायदा लेटर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी वो लिख चुकी है और जो इस्लामी यूनिवर्सिटी वो बिल्कुल तैयार भी हो चुकी है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रोफेसर साहबान हैं या प्रिंसिपल साहबान हैं उन्होंने भी जो एचईसी है उसको भी लेटर भेजे हैं और इस्लामी यूनिवर्सिटी को भी भेजे हैं। तो इंशाल्लाह 100% चांस है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जो हमारे इस्लामी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई रिलीफ की सिचुएशन उनकी बना दे। तो इंशाल्लाह जो ही एचईसी उसकी मंजूरी देती है जो लेटर उन्होंने लिखा है तो उसके बाद जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है वो इसके रिलीफ जो देना है उसका ऐलान बाकायदा तौर पर कर देगी। तो स्टूडेंट जो ही अगर मतलब इनका ऐलान हो जाता है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का तो फिर BzU PU पंजाब यूनिवर्सिटी और BzU वाले खास तौर पर स्टूडेंट्स उनके लिए भी खुशखबरी होगी, एक दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके भी एग्ज़ाम के अंदर उनकी मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आज की मालूमात थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर जो भी मालूमात होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।